नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर राजगीर में फरवरी से एक और आकर्षण जुड़ने वाला है और वो है 8-सीटर रोपवे। जी हाँ दोस्तों, बिहार का पहला 8-सीटर रोपवे अगले महीने चालू हो जाएगा और तब पर्यटक काफी ऊंचाई से वादियों का दीदार कर सकेंगे। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया से लाए गए इस रोपवे का ट्रायल सफल रहा है और जल्दी ही पर्यटक ऑस्ट्रिया की तरह ही राजगीर में ही काफी ऊंचाई से वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे। 1700 मीटर की कुल लंबाई वाले इस रोपवे के लिए कुल 6 टावर लगाए गए हैं और ये 3 मिनट 50 सेकंड यानी करीब 4 मिनट में नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि इसका टाइम बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया जाए, जिससे पर्यटक इस पर बैठकर हरी भरी वादियों और पहाड़ों के मनभावन दृश्य को इत्मीनान से देखते हुए इसे अपनी यादों में बसा सके। माना जा रहा है कि रोपवे के उद्घाटन के वक्त तक यही टाइमिंग सेट हो जाएगी। दोस्तों, इस 8-सीटर केबिन में पर्यटकों को एकल रोपवे की तरफ बैठने की जरूरत नहीं होगी। इसके केबिन में लोगों की एंट्री और एग्जिट के दौरान डोर का खुलना और बंद होना ऑटोमेटिक होगा। अपर और लोअर टर्मिनल पर लोगों के बैठने के दौरान केबिन रुका रहेगा, जबकि पर्यटकों से भर चुका केबिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहेगा। केबिन में बैठने में बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रायल के तहत सबसे पहले 8-सीटर रोपवे के केबिन में इसकी क्षमता के अनुसार 640 किलो सामान रखकर चालू किया गया। सामान के वजन का ट्रायल जब कामयाब रहा, तब केबिन में 8 व्यक्तियों को बैठाया गया। इन्हें लेकर जाने और वापस आने में भी किसी तरह की कोई मुश्किल पेश नहीं हुई। ये रोपवे बिजली और जनरेटर से चलेगा। अगर दोनों फेल हो गए तो मैन्युअली भी पर्यटकों को उतारा जा सकता है। अब जो कुछ तकनीकी काम बचा हुआ है उसे इसी महीने पूरा कर लिया जाएगा। जब काम हर लिहाज से पूरा हो जाएगा तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी और इसके बाद हरी झंडी मिलते ही पर्यटकों के लिए इसे चालू कर दिया जाएगा।